जिनको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं, जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे इन परीक्षाओं के बारे में, इन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको जानने समझने और कैसे हम इसको इसमें सफलता पा सकते हैं। बहुत सारे आपके मन में इच्छाएं होंगी कि आप हम ये पूछे हम वो पूछे, वो सारी इच्छा आपकी आज पूरी होगी और आपके सारी शंकाओं का समाधान होगा। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री विशेष गढ़पाले जी को यहां पर आपके उद्बोधन के लिए, जो जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में शुरू। आदरणीय नानी जी, श्री राहुल रंगारे साहब, कौटल्य टीम की पूरी, कौटल्य कोचिंग की पूरी टीम और यहाँ आए हुए मेरे साथ हो। मैं एक्चुअली कोई भाषण वगैरह प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करने आया हूँ। पहले मैं कौटल्य कोचिंग और श्री राहुल रंगारे जी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा इनसे पुराना परिचय था, परंतु इन्होंने भोपाल में एक बहुत बड़ी कोचिंग डाली, फिर उसके बाद ये छिंदवाड़ा से रहने वाले, इन्होंने छिंदवाड़ा में कोचिंग डाली। मैं बालाघाट से हूँ और बालाघाट में कम आता जाता हूँ, लेकिन फिर मैं जब इनके संपर्क में आया तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप फिर बालाघाट क्यों नहीं जाते, ये कभी बालाघाट नहीं आए हुए थे, इन्होंने कभी बालाघाट देखा था। और फिर मेरे रिक्वेस्ट पे कुछ लोगों ने और इनको बोला तो इन्होंने आकर के बालाघाट में ये संस्थान डाला, इसलिए कि आप सब लोगों को वो सुविधाएँ मिल पाए जो शायद भोपाल में या दिल्ली में लोगों को मिल रही है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि आप हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पर आए और आप सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। मुझे लगता है कि शायद आप लोग इसकी महत्ता इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि आज आप लोगों के पास वो सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो हमारे टाइम पे हमारे पास नहीं होती थी। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको अपने पुराने दिन के लिए ले जाऊँगा। हमारे समय में शिवलाल अग्रवाल बुक या युगांधर कौन सी बुक आती थी 11-12 की, अभी भी चलती है क्या ये सब? वो बुक्स टाइम पे नहीं आती थी, प्रेम पुस्तक मंदिर में वेटिंग होती थी और वो नाम लिखते थे कि सेट आते थे और नाम लिख लेते थे कि जब जिसका बुकिंग होगी उसको पहले बुक मिलेगी। मैंने 12th में भी IIT और रोटी की स्क्रीनिंग निकाली थी और 12th के बाद मैंने ड्रॉप किया था, उसमें भी स्क्रीनिंग निकाली थी। तो मेरे पापा जी को नागपुर जाना होता था बुक्स लाने के लिए, यहाँ बुक्स नहीं मिलती थी IIT के तैयारियों के लिए। तो हमने वो दिन देखे हुए, तब इंटरनेट या मोबाइल तो बहुत दूर की बात होती थी, तो उस समय हम समझते थे कि काश कोई हमको बता देता, कोई हमें सिखा देता, कोई हमें समझा देता। फिर मैं आपको और अपने बारे में बताऊंगा, जब मैंने 12th की स्क्रीनिंग निकाली, IIT की भी निकली थी और रुड़की की भी निकली थी, तो पापा जी कुछ बच्चों को लेकर गए जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। और मैंने कहा कि जब मैंने 12th में पढ़ते पढ़ते ये गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो जब मैं कोचिंग किए बगैर एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो अगर मैं कोचिंग कर लूँगा तो मैं तो फिर IIT क्रैक कर ही लूँगा। तो 3-4 ऐसे बच्चों को बुलाया गया जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे और पापा को गाइड किया कि IIT में तो भगवान ही जाते हैं, इंसान नहीं जाते हैं, और ये हिंदी मीडियम में पढ़ा बच्चा है, बालाघाट जैसी जगह पढ़ा हुआ है, तो ये तो जाना बड़ा मुश्किल है, पैसे खराब होंगे, एक साल खराब होगा। तो आप सोच लो, 3 अलग अलग टाइम पे 3 अलग अलग बच्चों से बात ही, मैं उनके नाम रिवील नहीं करूँगा, हो सकता है वो बहुत बड़ी जगह बड़े बड़े इंजीनियर हो, विदेशों में पढ़ रहे हो, या हो सकता है यहीं कहीं घूम रहे हो, मुझे नहीं पता। पर उन्होंने कहा कि नहीं, IIT की कोचिंग नहीं करानी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली मैंने बिलाई जाके PET की कोचिंग की, क्योंकि हमको भी लगा कि हम साल बर्बाद कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और फिर हम ऐसा ना हो क्रैक ना कर पाए। बट फॉर्चुनेटली अगले साल भी क्रैक किया हमने। तो इस तरह से मिसगाइड किया जाता है और कहा जाता है कि छोटे शहर का बच्चा या हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बन नहीं सकता। आज आप लोगों के पास वो सारी सुविधाएं, फिर जब मैंने इंजीनियरिंग की और मैं जब फिर IAS की तैयारी कर रहा था तब भी यही सब बातें आई, पर तब मैं थोड़ा समझदार हो गया था, तब भी लोगों ने कहा कि IAS तो भगवान ही बनते हैं, या जिनकी फैमिलीज में कोई होता है, कोई गाइड करने वाला होता है, वो बनता है। तो खैर, मैंने उस मेथड को भी तोड़ा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ज़माने में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, हम लोग कोई बताने वाला नहीं होता था। यहाँ पे बालाघाट में हम लोग जब बस से जाते थे तो कलेक्टर बंगलों की बाउंड्री वॉल शुरुआत होती थी और जब अंत होता था तो हम लोग देखते रहते थे
अंदर कुछ नहीं दिखता था क्या है, पर हमारे जमाने में हमें कोई कलेक्टर ने गाइड नहीं किया, ना कोई आया ना कोई बताया, क्योंकि हम लोगों को कोई ऐसा बीच का माध्यम उपलब्ध नहीं था जो आपको आज कौटिल्य अकेडमी उपलब्ध करा रहा है। बालाघाट में हमारे पास कोई नहीं था, जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तब तक मैं किसी आईएएस से नहीं मिला और ना किसी ने मुझे गाइड किया कि आपको ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप लोग बड़े फॉर्चुनेट भाग्यशाली हैं, कम से कम कोचिंग जैसा एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम लोग आप लोगों के बीच आकर के बातचीत कर पा रहे हैं, आप लोगों से मिल पा रहे हैं, इसलिए हमारी परिस्थितियाँ आप लोगों से बड़ी अलग थी। अब आपके पास इंटरनेट है, आपको बहुत सी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अब इंटरनेट पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे टाइम पे जब मैं दिल्ली कोचिंग के लिए गया हुआ था, मैं 6 महीने कर पाया, उसके बाद MBBSC क्लियर हो गया था, तो मैं वापस आ गया था। तो वहाँ पर मैं और मेरा बैचमेंट गया था, मेरा बैचमेंट इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में है। तो नवंबर मतलब हमारे कुछ माह हो गए थे, मैं जुलाई में गया था और नवंबर माह में हमको पता चला कि हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो किसी काम के लिए और हमें बुक्स चेंज करनी पड़ेगी। फिर हमने सारी बुक्स रिवाइज की, फिर चेंज की। तो उस समय हमारे पास ये भी माध्यम नहीं था कि कोई हमें बताए कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। फिर हम लोगों ने बुक्स चेंज की और हम लोगों ने नई बुक्स से पढ़ाई चालू की। कई बार मिसगाइड करने वाले लोग इतने होते हैं, कोचिंग से इतना मिसगाइड करती है कि हमें पता ही नहीं होता और हम अपना समय खराब करते हैं। तो आप लोगों के पास एक अच्छा माध्यम है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको उपयोग करना चाहिए। पढ़ाई तो सभी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आज भी बाहर हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई और अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जो सही दिशा में लगातार मेहनत करता है वही सिविल सर्विसेज या कोई भी अच्छी एग्जाम को क्रैक करता है। क्योंकि मैं बालाघाट से हूँ, बालाघाट को बड़ी बात ही जानता हूँ, भले ही मैं आता नहीं हूँ, बहुत से हम आता हूँ लेकिन कई लोगों से मिलता हूँ और भोपाल में भी बालाघाट के लोगों से मिलते जुलता हूँ। तो मैं अपने ऊपर कुछ टिप्पणियाँ करूँगा, इसको दिल पे मत लीजिए कि आप लोगों का ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बालाघाट का लड़का क्या होता है, बालाघाट का लड़का या लड़की, इस लड़कियाँ बुरा ना माने, हम लोग बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं, हम लोग किसी से भी बात करने के लिए डरते हैं। हमें किसी MD या किसी के चैम्बर के बाहर भी खड़ा कर दिया ना तो हम लोग घुसने से डरेंगे, भले हम किसी रेफरेंस से उनसे मिलने जा रहे हैं। फिर अगर गलती से हमें किसी के सामने बैठा दिया जाए तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे कि हम लोग बुक्स पूछ रहे हैं, हमें बुक्स बता दीजिए। अगर उसमें दो बुक्स बताई तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे कि ये बुक्स अच्छी नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ, कुछ और बता दीजिए। तो बालाघाट के बच्चों में एक संकोची स्वभाव होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा उद्यमी या बहुत ज़्यादा खुले नहीं होते हैं। ये मेरे साथ है, मैं फिर कहूँगा मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो हम लोगों में ये क्या कहा जाए, ना अच्छा है बुरा है, पर मुझे लगता है कमी है जो कि हम लोगों में नहीं होनी चाहिए, बाहर के बच्चों में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बालाघाट का बच्चा ना बड़ा ही संतोषी होता है, उसको लगता है कि जब एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ना चाहिए, या अभी तो जब मम्मी पापा के भरोसे चल रहा है तब करना चाहिए, या जब तक गाड़ी चल रही करना चाहिए, या फिर चार दोस्त तो अभी बैनगंगा पुल पर जा रहे हैं, पता नहीं हमारे टाइम पे वो रेलवे का पुल छोटी लाइन का होता था जिसके आजू बाजू कुछ नहीं होता था, वो बड़ा एडवेंचर होता था उस पर आना जाना। अब पता नहीं, अब शायद बड़ी लाइन हो गई है तो बड़ा पुल बन गया होगा। तो जब चार दोस्त वहाँ जा रहे हैं तो फिर पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें भी पढ़ाई छोड़ के वहाँ जाना है क्योंकि दोस्ती निभानी है। तो हम लोग दोस्ती के प्रति ज़्यादा गंभीर होते हैं और पढ़ाई के प्रति कम होते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर तलवार लटकती है, जब बिल्कुल MBBSC या IAS का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब बिल्कुल डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तब हम पढ़ना चालू करते हैं। ये हम बालाघाट के बच्चों में कमी है, फॉर्चुनेटली कुछ कमियाँ इसमें मुझे समझ में नहीं थी। तो होता क्या है कि जो दूसरे बच्चे हैं, खासतौर पर UP के, महाराष्ट्र के, आप कहाँ से? बैतूल से के, फिट से। मैं तो फिर मतलब खुले दिल से बात कर पाऊँगा, फिर ये भी मध्य प्रदेश से है तो बहुत अच्छी बात है। आप 2017 बैच है, सौरभ के बैच के, 18 बैच के हैं, ओके, और जूनियर हैं आप, तो फिर हम सारी बात कर पाएंगे। क्या होता है कि हमारा कंपटीशन ना बिहार के लोगों से, यूपी के लोगों से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु के लोगों से होता है, और भोपाल और इंदौर के बच्चों से भी होता है जो कि लगातार पढ़ रहे हैं। बट हम बालाघाट के बच्चे सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब हम पढ़ेंगे, तब हम बुक्स खरीदेंगे और सोचते हैं कि हम 4 महीने में सारा वो कर देंगे। वो 12 महीने लगातार पढ़ने वाले बच्चे को हम 4 महीने में पीट देंगे, हम ये मन में मुगालता पाले रहते हैं। तो हम लोग एक कंसिस्टेंट प्रयास, जो सतत प्रयास होता ना, उस वो नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब रिजल्ट आए, हाँ एक और उदाहरण होता है, जब प्रीलिम्स निकलेगा तो हम पढ़ते नहीं हैं, हम ये नहीं कि जल्दी से अपना आंसर्स मैच कर लें और अगले दिन से मेंस की तैयारी कर लेते हैं। हम वेट करते हैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा
और मेंस के लिए 2 महीने बचेंगे तब पढ़ेंगे, तो हम आपको अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हैं कि शायद हम 2 महीने में या 4 महीने में सब कर देंगे। हमको बिल्कुल ऐसे किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी बिहार का, यूपी का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का लड़का पढ़ रहा रहता है, और हम जब बैनगंगा नदी के पुल पर भी आते हैं तब भी वो पढ़ रहा होता है। तो हमारा कॉम्पिटिशन उस लड़के से है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊँ, मैं जब दिल्ली में रहता था तो 3-4 अपार्टमेंट छोड़ के एक लड़का था, मुझे नहीं पता आज भी कि वो बिहार का था कि यूपी का था या कहाँ का था, मुझे आइडिया नहीं है। पर मैं जब भी देखूँ वो पढ़ते रहता था बालकनी में। गर्मी होती थी दिल्ली में उस समय, हमारे पास कूलर या कुछ ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती थी, बाद में जरूर कूलर लिया था। तो वो बालकनी में लेके पढ़ते रहता था, घूमते रहता था। तो मैं जब सोने जाऊँ तब भी वो पढ़ते रहता था, जब जल्दी उठ जाऊँ 4 बजे तब भी वो पढ़ते रहता था। तो मुझे यही मुकालता रहता था कि देखो ये लगातार पढ़ रहा है और मैं सो जाता हूँ या मैं लेट उठता हूँ। तो हमारे बीच वो मुझे नहीं देखता था, मैं उसको देखते रहता था। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट एक कॉम्पिटिशन हो गया था और मैं उसको कॉम्पीट करने के लिए, उसको बीट करने के लिए ज़्यादा पढ़ने लगता था। यार ऐसा ना हो कि वही सीट और वो सत्ता है मेरी सीट हो वो खा जाए। इसलिए हमें ध्यान रहना होता है कि ऐसे कई बच्चे हैं, जब हम सो रहे हैं तब भी वो पढ़ रहे हैं, जब हम खा रहे हैं तब भी वो पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ बैठे हैं तब भी वो शायद मेहनत कर रहे हैं। हमारा कॉम्पिटिशन उन बच्चों से है, हमारा कॉम्पिटिशन अपने आसपास जो बच्चे हैं, अपना स्कूल में लोग हैं, उनसे नहीं है। क्योंकि स्कूल में हो सकता है कि आप टॉपर हो, स्कूल में हो सकता है कि आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन वहाँ जो मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे उनको आप कितने कम समय में करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, इस पर आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल डिपेंड करता है। फिर एक बालाघाट के बच्चों की हम मतलब मेरी एक कमजोरी बताएं, हम लोग ना बहुत छोटा सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि IIT में तो भगवान ही जाते हैं, IAS में तो भगवान ही जाते हैं, हम यही सोचते हैं कि नहीं हमको इंजीनियरिंग में अब PT बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारी PET होती है ना, PET की ही तैयारी करनी चाहिए, फिर हमें MPPSC की तैयारी करना चाहिए, हमें SSC की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल बहुत अच्छा नहीं है। या हम भी हिंदी मीडियम पे, जैसे मैंने बताया ना वो 3 बच्चों ने मुझे जो फॉर्म्स की दी थी इंजीनियरिंग के टाइम पे कि भगवान ही बनते हैं। तो हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों का स्तर छोटा छोटा है, तो हमको बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, हमको बड़े सपने ज़रूर देखने चाहिए। जब बड़े सपने देखेंगे तभी तो अपन पूरे कर पाएंगे। अगर हम लोग इस लेवल पे सोचेंगे तो कहीं ना कहीं गिरेंगे, तो हम लोग यहाँ जाके अटक जाएंगे। पर हम यहाँ जाके सोचेंगे कि नहीं हमें तो यहाँ जाना है, तो हम गिरेंगे तो धड़ाम, बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो हमको हमेशा अपने सपने ऊंचे रखने चाहिए। हम लोग बालाघाट के बच्चे कई बार अपने आप को बड़ा कम आंक लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं है या वो उतनी हिम्मत नहीं है जो बाहर के बच्चों में है। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब जैसे ये बैतूल से हैं तो आई गेस कि इनके पास मुझसे ज़्यादा अच्छे उदाहरण होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग तो किताबों के लिए जूझते थे, हम लोग तो बुकिंग होती थी किताबों के लिए, 12th की नागपुर जाना पड़ता था। अब तो आप लोगों के पास साधन है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों से संपर्क में आ सकते हैं, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि नहीं हम तो ये कर रहे हैं। देखिए जब एक बच्चा बालाघाट से पढ़कर हिंदी मीडियम में पढ़कर अगर IAS बन सकता है तो सब बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कोई अलग समय था या हमारा दिन 25 घंटे का होता था। ऐसा भी नहीं था कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स थी। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग तो ढूंढते रहते थे, 6 माह बाद हमको पता चला कि जो पढ़ रहे हैं वो ख़राब था। इस तरह की स्थितियाँ भी आई जो एक हर नॉर्मल बच्चे को आती है। ऐसे में तो हम टूट जाते कि हमारे 5 महीने ख़राब हो गए, अब हम कहीं के नहीं, हम क्या करें, बालकनी से कूद जाएँ या पढ़ाई जारी रखें। ऐसे समय, ऐसे डिसीजन के समय हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, हमारी ज़िंदगी में आए, आपके पास भी आएंगे। पर बनता वही है जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है, सतत प्रयास करता है। उसके घर में शादी है तब भी वो पढ़ता है, उसके भाई का बर्थडे है तो बर्थडे आधा घंटा मना के तब भी पढ़ता है, और कहीं बाहर जाना है तो उस पिकनिक में जा रहे हैं तब भी मना करके पढ़ता है। मेरी नानी भी है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जब हम बालाघाट में थे तो हर वीकेंड खाना होते रहता था। मैं अभी भी भोपाल में परेशान हूँ, हमारे यहाँ हम लोग रिलेटिव इतने क्लोज हैं कि हर वीकेंड में खाना रखने का बहुत कल्चर है, डिनर लंच हम लोग खूब रखते हैं। जब मैं पढ़ता था तो नानी भी उदाहरण है, मेरा टिफिन, हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज है गायत्री रोड पे, वहाँ हमारा घर है, SBI कॉलोनी था वहाँ पर, तो मेरा टिफिन आता था वहाँ पर, मैं नहीं जाता था खाना खाने, तो नानी जी लोग मेरा टिफिन भेजते थे, मम्मी मेरा टिफिन लेके आती थी, फिर मैं वहाँ खाता था। जब मैं तय भोपाल गया तो भोपाल में ऊपर का रूम मेरा था, तो मैं सिर्फ खाना खाने आता था, वही मम्मी की आवाज़ लगा देती थी कि अब रेडी है, तो मैं आ गया और फिर मैं ऊपर जाके चले आता था, फिर मैं पढ़ता था। बीच में कोई TV या बीच में कुछ नहीं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनता था मैं और पोस्ट पढ़ते रहता था। तो मैं सोता था और पढ़ता था।
खादा 5-10 मिनट ही खाता था, मुझे नहीं पता एक साल में फिर बाहर क्या हुआ, किस दोस्त की शादी हुई, क्या हुआ। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग शादियाँ भी मनाएंगे, दोस्ती यारी भी निभाएंगे, घर के बहुत सारे काम भी करेंगे और एग्जाम भी क्रैक करेंगे, तो भाई हम सुपरमैन नहीं है या वंडर वुमन नहीं है कि हम लोग सब भी कर लें और ये भी कर लें। मैंने जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की, मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का अब तक का सबसे बड़ा टॉपर हूँ, मेरे 198 मार्क्स आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे टीचर थे खाविया सर, जो जिनके पास मैं कोचिंग जाता था बेसिकली, कॉलेज में कुछ पढ़ाते नहीं थे हमारे, एज यूजुअल गवर्नमेंट कॉलेज था, अब तो यूनिवर्सिटी बन गया है। तो खाविया सर के पास में जाता था, तो खाविया सर मुझे एक बात बता रहे थे, मुझे नहीं पूरी क्लास को बता रहे थे, जैसे मैं आज सबको बता रहा हूँ लेकिन 3-4 बच्चे ही अडॉप्ट करेंगे, बाकी लोग भूल के फिर से बैन लगा के पुल में चले जाएंगे। तो खाविया सर बताते थे कि जब तक हम पढ़ रहे होते ना, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकल के आते ना और बेरोजगारी का ठप्पा लगता है, फिर माँ बाप जो है इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है। वो उदाहरण देते थे कि जब आप अच्छे से पढ़ लोगे और आप कहीं बाहर जाओगे या यहाँ से नौकरी लग जाएगी और आप बालाघाट जाओगे भोपाल से ट्रेन में, तो आप ट्रेन से जैसे ही उतरोगे तो आपको पूरे रिश्तेदार लेने आएंगे, बारात जैसे आपका स्वागत होगा, मम्मी आपका फेवरेट सब्जी बना के रखेगी, लेकिन आप कॉलेज से पास आउट हो गए और बेरोजगार होकर लौटोगे तो वो कहते थे कि कुत्ता भी लेने नहीं आएगा, ये उनके शब्द होते थे। तो मैं आपको वास्तव में यही बताता हूँ कि अभी क्या होता है कि अगर आप जिंदगी भर ऐश करनी है या जिंदगी आसानी से बितानी है तो 1-2 साल का ख्याल आपको करना पड़ेगा, आपको सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी सही दिशा में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया पढ़ लिया, या कोई सस्ती सी मैगजीन आई या कोई सस्ती सी बुक किसी ने लोकल पब्लिकेशन से निकाल रखी हो और आपने वो पढ़ना चालू कर दिया और हमारे जैसे 6 महीने बाद पता चला कि तो कचरा बुक है। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है और लगातार पढ़नी है। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं कैसे करूँ। हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग मैक्स पिया, उससे मैक्स बना था रोहिणी में था या कहीं था, नया मल्टीप्लेक्स आया था, उसकी 55 रुपीज़ टिकट होती थी उस ज़माने में और हमको 1-2 घंटा लगता था जाने में। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह 6-7 बजे खाना वाना बनाते थे, मैगी बनाते थे, 6 बजे निकलते थे और जाते थे, और मूवी देख के आते थे। सुबह 9 बजे वाला शो सस्ता होता था इसलिए सुबह 9 बजे जाने के लिए 6 बजे से निकलना होता था, और अगले 3 दिन हम लोग पश्चाताप में होते थे कि हमने 3 घंटे खराब कर लिए, और फिर 3 घंटे हम लोग सोते नहीं थे कि 3 दिन हम लोग सोते नहीं थे क्योंकि हमें वो 3 घंटे का पैचअप करना होता था। तो अगर आप लोगों में वो डेडिकेशन नहीं रहा, आग नहीं लगी, तो फिर दिक्कत होगी। तो एक तो आप लोगों को पैशन होना चाहिए, जुनून कहते हैं ना इसको, पागलपन होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, फिर चाहे बीच में से आंधी आ जाए, कुछ बहुत काम आ जाए, क्योंकि इसका मतलब ये भी नहीं कि हम मम्मी बोले कि मैं बीमार हूँ खाना बना ले तो नहीं रहा, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों को व्यवहारिकता देखनी है, बट अधिकतम समय हम लोगों को पढ़ाई में लगाना है। जो भी बंदा मिसगाइड करे कि आप तो बालाघाट के हैं, आप तो हिंदी मीडियम के हैं, या आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है, तो आपको बिल्कुल इस मुकाल से नहीं रहना है, उनको चाय पिलाइए और कहिए आप चाहिए भाई, और उनकी बिल्कुल बातें नहीं सुननी है। तो हम लोगों को सबको बड़ा सोचना चाहिए, अपना एजेंडा बड़ा रखना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोग इसमें सोच सकते हैं कि नहीं हम तो बीए कर रहे हैं या हम तो बीकॉम कर रहे हैं, शायद हमने आर्ट्स इसीलिए लिया कि हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे या हम लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए थे, हमने मैथ्स नहीं मिल पाया तो हमने बीए लिया। तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे? मैं आपको बताऊँ, हमारे मध्य प्रदेश कैडर में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, और वो लोग हमसे कम उम्र में आ गए, क्योंकि MBBS में 5 साल खराब होते हैं, इंजीनियरिंग में 4 साल खराब होते हैं, ड्रॉप लिए तो 5 साल खराब होते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले को 3 साल में आर्ट्स ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा आसानी से वो एंट्री कर लेता है, तो हमसे 2 साल पहले एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है। सिमिलरली हम लोग इंजीनियरिंग से अगर जाते हैं तो हमको फिर से हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, या कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कोई आर्ट्स से कॉमर्स से, तो उतना समय बच जाता है क्योंकि वो पढ़ के आया होता है, तो उसे इन सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट करना और आसान होता है। तो एडवांटेज ज़्यादा इन बच्चों के लिए है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे और अच्छी स्ट्रीम नहीं मिल पाई है तो फिर तो ये एग्ज़ाम उसके लायक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो सेलेक्ट होते ना उसके पास 25 घंटे नहीं होते, उसके पास 4 हाथ नहीं होते, उसके पास बहुत सारा बुकिंग नहीं होती, सब हम लोग एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो लगातार पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, और हम लोग शायद कहीं ना कहीं समझौता करते हैं।
कहने को हम लोग 12-15 घंटे बुक्स पकड़ते हैं पर वो नहीं करते जो हमको करना चाहिए। अगर सारे इंटेलिजेंट लोगों को होना होता तो एम्स और आईआईटी के इतने बच्चे देते हैं। आईआईटी मतलब जो पुरानी आईआईटी हमारे टाइम पे कानपुर और खड़गपुर और मुंबई की होती थी, दिल्ली बहुत आईआईटी फेमस था उस समय, पर कानपुर हमारे उस समय हमेशा फर्स्ट रैंक पे आता था। अगर इंटेलिजेंट लोगों की बात होती तो एम्स और आईआईटी कानपुर वाले 100% बच्चे सेलेक्ट ही जाते हैं, एक ही या दो ही बच्चे क्यों सेलेक्ट होते हैं, इसीलिए होते ना कि और छोटे शहरों से क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि लेवल सबका सेम होता है, बस मेहनत का फर्क होता है कि कौन कितनी मेहनत करता है। तो हम लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि या तो हम लोग एक साल रोज बने, रोज कम सोए, रोज ज़्यादा पढ़ाई करते रहें और फिर बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारे, और या फिर यह है कि हम लोग अभी ऐश कर लें और बाकी की सारी ज़िंदगी मजदूरी करते रहें। क्या है कि रोज़गार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी आती नहीं है, क्योंकि आपको इतने वेल क्वालिफाइड है कि आप लोगों के लिए फिर और ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी मेहनत नहीं की तो बाकी के आपके 50 साल या 60 साल जितना भी आप जीवित रहेंगे, फिर आपको लगातार रोज़ बनना पड़ेगा, रोज़ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि एक साल मर के देख लें, एक साल हम लोग बिल्कुल सब त्याग कर दें, एकदम संन्यास ले लें और सिर्फ पढ़ाई कर लें और बाकी की ज़िंदगी आराम से निकालें। तो अभी आपके पास ये सोचने का समय है, उसके बाद फिर आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा, खासतौर पर बच्चियों के पास और ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोगों के पास ज़रा बड़े होंगे तो परिवार वाले शादियों का दबाव डालते हैं, फिर और दिक्कत है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं की और आप लोगों ने सही समय पर सही नौकरी का चयन नहीं किया तो हो सकता है आप किसी गाँव में जाकर के कंडे बनाते रहें। क्या आप लोग ठीक लगेगा कि सुबह 4 बजे उठ के, मैं अपने टाइम का अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है नहीं है, सुबह 4 बजे उठ के गोबर उठाएं और उसके कंडे बनाएं, आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आप लोग गांव के लोगों को रोज़गार दे पाएँ, आप लोग उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ला पाएँ, उनके लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि जहाँ उनको भी कंडे ना उठाने पड़े। तो आज आपके पास समय है, आप लोग बहुत अच्छे समय में हैं, आप लोग बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं। आपको फिर मैं कहूँगा कि आपको भोपाल की इंदौर की कोचिंग जैसी कोचिंग मिल रही है, हमारे टाइम पे हम लोग मरते रहते हैं कि काश हमको कुछ ऐसा मिल जाता, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता या कुछ ऐसे लोग मिलते जिनसे हम बातचीत कर पाते, प्रश्न कर पाते। तो आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं, अब मसला ये है कि कौन इसको उपयोग करता है, कौन इसको फिर से बनवा के पुल पे जाकर के फेंक देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब पढ़ाई करेंगे, हम ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं करते कि ये आप इस कोचिंग जाएं उस कोचिंग जाएं, पर आप लोग सही चयन करें, अच्छी बुक्स से पढ़ें, इंटरनेट पे भी ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है पर बहुत ज़्यादा कचरा है, मतलब कबाड़ भरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग इंटरनेट की सामग्रियों पर ना करें, उसमें ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जिसको कोई एवेल्यूएट नहीं करता है, जिसको कोई क्रॉस चेक नहीं करता है, बस फॉरवर्ड्स होते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इंटरनेट पर ना करें, एक तो कोचिंग ही है जो नामी कोचिंग है जो अच्छे मटेरियल या अच्छे वीडियो डालती है, उसके अलावा बिल्कुल भी आप व्हाट्सएप की एकेडमी के स्टूडेंट बिल्कुल मत बनिए। स्टैंडर्ड बुक से अच्छा या अच्छे गुरु से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो अपने टीचर पर ट्रस्ट करिए, अपनी बुक्स पर ट्रस्ट करिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बट फिर मैं कहूँगा कि ये छोटे मोटे एग्ज़ाम या यहाँ के एग्ज़ाम मैटर नहीं करते, आपको अगला एग्ज़ाम देना है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़िए और एक महीना श्रम करके देखिए, मुझे लगता है कि परिणाम जरूर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।